हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बेल का शरबत, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। ये ठंडे गर्मी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हम इसे बनाने के लिए हमने यहाँ दो बेल लिया है। पहले हमें इसे फोड़ लेंगे। फोड़ने के बाद इसके अंदर की सारी लुगदी को बाहर निकाल देंगे। आप इसे चम्मच की सहायता से या फिर हाथों से की सहायता से अच्छी तरीके से निकाल लें। लेकिन आप अगर इसे चम्मच की सहायता से निकालते हैं तो इसमें की सारी लुगदी एक बार में अच्छी तरीके से पूरी बाहर आ जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से ही, ताकि इसमें जरा सा भी लुगदी बचे नहीं। इसकी लुगदी को वैसे तो खोपड़ी का भी बचे रहती है, वो भी खाने में अच्छी लगती है, लेकिन हमने इसे साड़ी एक बार में साड़ी को निकाल लिया है। बिल्कुल इस तरीके से निकालने के बाद इसे कुछ समय के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे, तब इसकी टेस्ट और भी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन अगर जल्दी में हो तो आप ऐसे भी बना के इसे पी सकते हैं। सारे लुगदी को इस तरीके से निकाल दे और अपने हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। आप इसे मिक्सर में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेसा रेसा कुछ रह जाएगी जो पीने में थोड़ी कड़वी कड़वी होने लगेगी। इसलिए इसे पहले अच्छी तरीके से सारी इसकी लुगदी को निकाल लें और अपनी इसे सभी को हाथों की सहायता से ही निकालें, ताकि एक भी इसमें रेसा रेसा टाइप में ना रहे। बिल्कुल इस तरीके से करते हुए अब इसे साइड कर दें। इसी तरीके का प्रोसेस दो तीन बार करें। अंदर की जितनी लुगदी ये सब हो, अब रेशे रेशे हो, वो सारे निकल जाए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा चीनी ऐड करेंगे। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो इसमें चीनी ये सब ना भी दे तो भी चलेगा, तो भी इसकी मिठास थोड़ा रहती ही है इसलिए। लेकिन आप, मैं तो कहूँगा शुगर पेशेंट इसे ना ही पिए तो ही सर चलेगा। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए इसमें आइस की क्यूब ऐड करेंगे। अगर आप ठंडा नहीं पीना चाहते हैं तो बस इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें जूस को ऐड करेंगे और एक बार अच्छी तरीके से इसको चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब हमारा बेल का शरबत बिल्कुल बन के रेडी है। आप अपने गेस्ट को पिला सकते हैं, खुद पी सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।